तो फैराडेज लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको एक पॉइंट इसमें समझना है, क्या पॉइंट ये है, आप फॉर्मूला बुकलेट में पहले ये फॉर्मूलाज को नोट करें, ये तो आपने कर लिया। अब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो रिजल्ट एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नोट करें प्लीज। तो पहले ये नोट करें, ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। कई बार जो लूप है वो हमने, क्योंकि एग्जांपल एक ही लूप का लिया जिसमें करंट पैदा होता है, लेकिन होता क्या है, कई बार दो लूप चार लूप भी हो सकते हैं और मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ईएमएफ भी पैदा हो जाएगी, एन टाइम्स हो जाएगी। तो पहले फॉर्मूला बुकलेट में ये नोट करें। दूसरा ये नोट करें, डी फाई बाई डी टी आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देगी, और अगर आप यहाँ पर डी फाई बाई डी टी की जगह यहाँ पर पुट करें डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो आपको एवरेज ईएमएफ पता लगेगी। तो डेल्टा फाई को क्या पुट कर सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन, और डेल्टा टी को टी टू माइनस टी वन, टी वन अगर जीरो है तो अकेला टी आएगा। तो सेकेंड फॉर्मूला ये नोट करें, ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये रहा। तो ये नोट करें, पहला और दूसरा एवरेज ईएमएफ इसके इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट है इंड्यूस करंट किसके इक्वल है, जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगी उसका मैग्नीट्यूड, कि करंट तो नेगेटिव होता नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड बाय रेजिस्टेंस आर इंड्यूस करंट है। फेराडे के लॉ में आप अगर नोट करें, उसने ये कहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में ईएमएफ पैदा होगी, उसने ये नहीं कहा था इंड्यूस करंट पैदा होगा। बाय डेफिनेशन ईएमएफ इंड्यूस के बारे में मेंशनड है, इंड्यूस करंट मेंशनड नहीं है। क्यों है आने वाले टाइम में बताऊंगा, और वैसे भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको ई देता है, आपको आई नहीं देता। ठीक है, आई निकालना पड़ता है ई बाय आर से। तो आप इसका पहला क्वेश्चन एक बार देखें प्लीज, ये इसका पहला क्वेश्चन है जो आपकी शीट में है। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है रेक्टेंगुलर लूप। देखो इन पूरे क्वेश्चन में मैं वन टाइम आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, आधे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हर में एक ही कॉन्सेप्ट है, सुन लो क्या। सबसे पहले ये देखो फ्लक्स होता क्या है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। इमेजिन करो कि ये बी है और कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है, एरिया वेक्टर बोलो का है आपकी तरफ, तो बी में और एरिया में एंगल क्या है 90, फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस 90 जीरो। तो रूल नंबर वन, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल अलाइंड है तो फ्लक्स जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल, क्या क्या अगर ये बी है, इधर अगर ये बी है और कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, इस तरफ हो गया परपेंडिकुलर, बी ऐसे ही है तो एंगल इनके बीच में जीरो, तो बी ए कॉस जीरो, तो इसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो आज के बाद शॉर्टकट ध्यान से सुन लो, अगर मैंने ये बोला कि मेरा कॉइल बी के साथ परपेंडिकुलर है, अगर मेरा कॉइल बी के साथ परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस जीरो, याद रहेगा मेरा कॉइल बी के साथ परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस जीरो। बस मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, समझो बस, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो पहला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर लूप जिसका एरिया गिवन है निकाल लेना, बी गिवन है, इज प्लेस्ड विद प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, ये लो ये प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, तो बोलो फ्लक्स क्या है बी ए कॉस जीरो, एक आंसर आ गया। ये क्या करता है, वो 90 में से 90 माइनस करके जीरो निकालता है। तो क्यों निकालता है, क्योंकि बी इस तरफ है, एरिया वेक्टर जो है वो कैसे होगा, वो इस तरफ ही होगा। मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, 90 माइनस करने की जरूरत ही नहीं वैसे भी, एक्चुअल में वो इसलिए 90 ले रहा है क्योंकि उसने कहा जो प्लेन है वो नॉर्मल टू द फील्ड है। अब नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, राइट, क्योंकि
आप ये देखो, प्लेन ने एंगल बी के साथ क्या बनाया 90, पर एरिया वेक्टर ने क्या बनाया 0। तो वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप करता है कि 90 में से प्लेन का एंगल बी के साथ माइनस कर दो, 90 माइनस 90 0, एरिया वेक्टर आ जाएगा। जरूरत क्या है, बता तो दिया अगर 90 डिग्री है तो एंगल 0 है, बात खत्म, हमें करने की जरूरत क्या। आंसर सेकंड, इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। ये देखो ये बी है और आपका मान लो पहले कॉइल जो है वो अलाइंट था बी के साथ, तो एरिया वेक्टर कहाँ था, ये रहा, आपकी तरफ था, तो पहले तो अलाइंट था, आपने इसे रोटेट कर दिया, इसे 30 रोटेट कर दिया 30। अब एक बात बताओ, टोटल एंगल बी और इस एरिया में 90 था पहले, अब आपने इसको रोटेट किया बाय 30, ये 30 है तो बचा हुआ एंगल अभी भी कितना है 60, तो बी एक कॉस 60 आंसर है। तो फिर वो एक फॉर्मूला बनाता है, जो भी आपको एंगल लूप का गिवन है उसको 90 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, बना लो ऐसे कर लो जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट है पैरेलल टू द फील्ड, अभी किया लूप पैरेलल टू द फील्ड है तो एरिया वेक्टर क्या बनाएगा एंगल 90, तो बी ए कॉस 90 इज 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस अ गैप बिटवीन पोल्स ऑफ पीस ऑफ अ मैग्नेट इन 0.5 सेकंड। तो कोई पीस को, मेटल के पीस को घुमा दिया आपने, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया 0.5 सेकंड में। वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द पीसेस गिवन है, फ्लक्स गिवन है, ईएमएफ निकालो। भाई जो तुम्हें फ्लक्स दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो ईएमएफ क्या कर रहा है, डीफाई बाई डीटी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, आंसर ईएमएफ आ गई, डीफाई दे रहा है, डीटी दे रहा है आंसर। थर्ड है आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है। कैलकुलेट इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ बोलो क्या होगी, ई क्या होता है डीफाई बाई डीटी, या माइनस डीफाई बाई डीटी, माइनस लगाना है माइनस लगाओ कोई चक्कर नहीं है। तो यहां पर डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आएगी और टाइम को क्या पुट करेंगे 2 सेकेंड, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 78, माइनस लगाएंगे माइनस 78 बोल देना, क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस 78 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको इसमें करंट निकालना है, अब करंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाय आर, तो मैग्नीट्यूड तो लेना ही पड़ेगा, माइनस 78 का 78 बाय आर कितना आएगा 15.6 आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। फोर्थ है स्क्वायर लूप जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इज प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। चलो मान लो ये आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन है, तो कॉइल ऐसे पड़ी हुई है ईस्ट वेस्ट प्लेन। आगे यूनिफॉर्म बी गिवन है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब नॉर्थ ईस्ट का ले आया द्वारा, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ उधर साउथ इधर, तो वो रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट का मतलब एंगल मिड पॉइंट पे 45 डिग्री। तो क्या कह रहा है, कॉयल ऐसे पड़ा हुआ है ईस्ट वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड, अब कॉयल अगर ऐसे पड़ा है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, बी कैसे है 45 डिग्री पे, तो बी में और एरिया में एंगल कितना है 45, तो फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस 45। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज डिग्रीज टू जीरो इन 0.70 सेकेंड, तो पहले बी था अब बी जीरो कर दिया, बी जीरो करने का मतलब फ्लक्स चेंज कर दी, तो इसका मतलब पहले फ्लक्स क्या था बी ए कॉस 45, बाद में फ्लक्स क्या हो गया जीरो, कितनी देर में हुआ 0.7 सेकेंड, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम विल गिव इंड्यूस्ड ईएमएफ आंसर, आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट भी निकाल लो, अब क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी के अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम की रेजिस्टेंस कॉइल है, 10 ओम, 1000 टर्न्स है, आर पता है 1000 पता है, एंड टाइम इतना वेबर ऑफ फ्लक्स पासिस थ्रू इट, फाई वन पता है, फ्लक्स गिर गया फॉल्स टू, फाई टू पता है 0.1 सेकेंड में, फ्लक्स गिर गया चेंज हो गया, तो ईएमएफ क्या होगी, अभी करवाया माइनस नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में, माइनस एंड फाई टू माइनस फाई वन बाय टी, तो पुट कर दो फाई टू फाई वन, पुट करके इंड्यूस ईएमएफ आ गई। करंट क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, करंट आ गया। चार्ज क्या होगा, जो इसके अंदर 0.5 सेकंड में पास हुआ या 0.1 सेकंड में पास हुआ, चार्ज का इंड्यूस करंट इनटू टाइम, आंसर। नेक्स्ट है कॉइल
विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ गिवन, डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी गिवन है, तो एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, फिर से वो चीज़, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी और ए में कितना, जीरो। तो इतना टेस्ला। ईएमएफ इंड्यूस 11 वोल्ट है जब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला, तो 6000 से 1000 टेस्ला हो गया, बी चेंज हो गया। तो क्या निकालना है, टाइम पता है 4 सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं। इस बार आपको B1 पता है, B2 पता है, समय पता है और EMF पता है और एरिया भी पता है। तो फॉर्मूला पता है आपको, इस फॉर्मूले में phi 2 की जगह B into area, एरिया कॉमन है तो B2 - B1, तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। अब इंड्यूस्ड EMF पता है 11, नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं, रेडियस पता है, B2 B1 आंसर, नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे लगेगा फॉर्मूला। सेवन्थ, वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई L पता है, इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप, तो L इज इक्वल टू 2 पाई आर करके पहले तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ गया तो एरिया आ जाएगा लूप का पाई आर स्क्वायर। टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन, फाई वन गिवन है, विद इन 0.5 सेकेंड लूप इज चेंज इनटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाई टू गिवन है, यहाँ पर फाई वन से फाई टू चेंज हो, बी सॉरी फाई नहीं बी है ये, वेबर पर मीटर स्क्वायर बी होता है, तो B1 से B2 चेंज हो गया, टाइम आपको गिवन है और ऊपर से एरिया भी चेंज हो गया क्योंकि लूप की शेप ही चेंज हो गई, सर्कल से वो क्या बन गई, स्क्वायर। तो पहले जब वो सर्कल थी तो 2 पाई आर 88 सेंटीमीटर था, रेडियस से पाई आर स्क्वायर से एरिया A1 आ गया, फिर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 22 सेंटीमीटर, तो L स्क्वायर से एरिया आ गया। B1 पता है, B2 पता है, A1 पता है, A2 पता है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ टर्न तो गिवन नहीं वन है, phi 2 की जगह P2A2, phi 1 की जगह P1A1, सब कुछ गिवन है आंसर। ई में बचा, समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगा फॉर्मूला। एट्थ, हाँ ठीक है, इसमें क्वाइल ऑफ मीन एरिया, ओके आपको एरिया गिवन है इसमें, एंड हैविंग 1000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म फील्ड 0.4 गॉस, गॉस को टेस्ला में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट 10^-4 से। क्वाइल कैसे पड़ी हुई है, बी के साथ एंगल कितना है 90, तो एरिया क्या हुआ बी और ए में, जीरो। फिर आपने, क्योंकि क्वाइल ऐसे पड़ी हुई थी, एरिया इधर था, बी तो है इधर, आपने 180 घुमा दिया तो एरिया यहाँ चला गया, तो बी और एरिया में एंगल क्या बन गया 180, फ्लक्स चेंज हो गया। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, समय आपको पता है तो एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न पता है, बी कन्वर्ट कर लिया, टाइम पता है, तो इनिशियल फ्लक्स में बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स में बी ए कॉस 180। तो इसमें यह वैल्यू पुट करेंगे, फाई टू फाई वन वैल्यू पुट करके आपका आंसर आएगा। जीरो मत कर देना यहाँ पर, एक फ्लक्स माइनस बी ए है और एक फ्लक्स बी ए है, तो माइनस 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 टू बनेगा, 2 × BA बनेगा, इनिशियल फ्लक्स है, ये फाइनल फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स में फाइनल माइनस इनिशियल, तो कैंसिल नहीं होगा, ये -2 BA बनेगा, एंड में मैग्नीट्यूड लेना बात अलग है। तो ये तो चलो होमवर्क है, ये सेम चीज़ है। टेंथ, क्वाइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो क्वाइल कैसे पड़ी हुई है, क्वाइल बी के साथ परपेंडिकुलर है, तो एंगल यानी कि उनके बीच में क्या है, ये बी है, ये क्वाइल, जीरो, तो बी और एंगल क्या है, जीरो। एक बात बताओ, ये क्वाइल वो कहता है कि कैपिटल टी टाइम में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये बताओ कि शुरू में क्वाइल 90 डिग्री पे है बी के साथ, तो एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो
टी बाय फोर सेकेंड में यहाँ पर हो गए, एंगल क्या हो जाएगा 90। अगले टी बाय फोर में यहाँ पर एरिया वेक्टर 180, अगले टी बाय फोर में इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, तो टोटल एंगल घूम के 270, और फिर इधर हो जाएगा टी बाय फोर में 360। तो आपको इंड्यूस ई एम एफ पता नहीं है क्या होगी। चलो शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि 0 से 90 की पोजीशन में बताओ ई एम एफ कितनी जनरेट होगी एवरेज। तो जब एंगल जीरो है, मतलब जब ये लूप परपेंडिकुलर है, तो बी और ए में एंगल जीरो, फिर ये इधर घूम गई तो बी और ए में एंगल 90, तो एक एंगल जीरो एक एंगल 90, तो फ्लक्स आ गया बी ए कॉस जीरो बी ए कॉस 90 इन टाइम टी बाई फोर, तो चेंज इन फ्लक्स बाई टी बाई फोर आंसर। फिर दूसरे केस में वो कह रहे हैं 90 से 180, अब एंगल अगर 90 है बी और ए का, तो फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस 90 से बी ए कॉस 180 टाइम टेकन टी बाई फोर, तो चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम पीरियड आंसर। तीसरे केस में 180 से 270 बी ए कॉस 180 इनिशियल फ्लक्स है, बी ए कॉस 270 फाइनल फ्लक्स है, वो अलग बात है कि कॉस 180 माइनस वन होता है और 270 जीरो होता है, इन टाइम टेकन टी बाई फोर आंसर। नेक्स्ट है 270 360, तो बी ए कॉस 270 बी ए कॉस 360 पुट कर लेना आंसर, चार बार आ जाएगा इसमें एवरेज इंड्यूस ई एम एफ, राइट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, ऑल टाइम फेवरेट, कई बार आपको दिखेगा तीन नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता हुआ, इंपॉर्टेंट मार्क करो, वो तो है ही है पूरी शीट, ये स्पेशल है। आपको मेंस के अंदर भी दिखेगा या नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप अ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड 8.5 ओम रेजिस्टेंस चेंजेस विद टाइम एज, एक सर्कुलर लूप है ना, बी चेंज कर रहा हूँ, तो ये बी है और ये टाइम है, टाइम के साथ पहले बी को बढ़ा रहा हूँ, फिर कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ और फिर कम कर रहा हूँ, ठीक। कैलकुलेट इंड्यूस करंट क्या होगा और करंट का ग्राफ भी प्लॉट किया जाए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर लूप पाई आर स्क्वायर आ गया, एरिया पता है, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, तो फिर क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई क्या है बी इंटू ए, एरिया बाहर आ गया तो क्या बचा, माइनस ए डी बी बाई डी टी, डी बी क्या है बी टू माइनस बी वन, टाइम क्या है टी टू माइनस टी वन, ऐसा ही होगा इसमें, तो ये टर्म आ गई। अब इसके अंदर ये बताओ पहले रीजन में फाइन इनिशियल बी क्या है जीरो, फाइनल बी क्या है वन, तो जीरो और वन, टाइम टेकन में टू माइनस जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो और दो सेकंड के बीच में क्या आएगी, वन माइनस जीरो टू माइनस जीरो, एरिया तो पता ही आंसर, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली किया क्या, बी इंटू एरिया में से एरिया बाहर आ गया, एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चीज चेंज हो रही है इसमें, डी वी बाई डी टी, राइट। तो पहले रीजन में आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फॉर्मूला फ्लक्स इज बी इनटू एरिया, इसमें एरिया सर्कल का चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज हो रहा है, कैसे पता लगा, देखो बी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो जो डिफरेंशिएशन में जो चीज़ कांस्टेंट होती है बाहर निकल आती है, तो एरिया कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचा डी बी बाई डी टी, डी बी का मतलब चेंज इन बी, तो जीरो और दो सेकेंड के बीच में बी कैसे चेंज हो रहा है, फाइनल बी वन है इनिशियल बी, और टाइम में फाइनल टी टू है इनिशियल टी सी,
तो ये पुट कर दिया, आंसर आ गया। आंसर नेगेटिव साइन लगे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में आएगा। करंट क्या होगा? ई बाय आर, ये करंट है। नेगेटिव साइन के साथ लगाना, बताता हूँ क्यों। अब 2 और 4 सेकेंड के बीच में बी चेंज नहीं हो रहा, फाइनल बी भी वन है, इनिशियल बी भी वन है, तो दोनों अगर वन वन है तो ईएमएफ क्या होगी? जीरो होगी। नहीं, अब इधर आ जाते हैं, बी में फाइनल बी क्या है? जीरो। इनिशियल बी क्या है? वन। टाइम 6 और 4 के बीच में, तो एंड में क्या होगा? फाइनल बी क्या है? जीरो, इनिशियल वन, 6 और 4 के बीच में ईएमएफ आ गई पॉजिटिव। तो करंट निकालने के लिए ईएमएफ को करंट से, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आ जाएगा। फिर कहेगा ग्राफ प्लॉट करो, ये ग्राफ है। पहला करंट क्या है? नेगेटिव, गिरा नीचे, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बढ़ेगा, स्लोप पॉजिटिव है, मैथ से लोग जानते हैं, इसमें ये स्लोप क्या है? डीवी बाई डीटी पॉजिटिव है, तो आपका ईएमएफ या करंट हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव करंट या पॉजिटिव ईएमएफ नहीं करेंगे, नेगेटिव करेंगे, भूलना नहीं है। तो अगर कब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव में जाएगी, करंट भी नेगेटिव में रखना है। लेकिन अगर डीवी बाई डीटी नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव, तो डीवी बाई डीटी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा। तो कई बार ना सीधा वेरिएशन मार्क करने को आती है, तो लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो नहीं लेना आपने ग्राफ के क्वेश्चन में, माइनस साइन के साथ लेना है, माइनस साइन के साथ आपने ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? और क्योंकि मैथ्स में स्लोप कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो ई एम एफ भी कॉन्स्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसमें जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट ही बनेगा। तो ये ग्राफ बनाने को आएगा और ये करंट निकालने को आएगा।